topic of conflict serializability. Now, little bit we are giving some description that what is serializability. Serializability basically when more than one transaction are being executed concurrently, then we must have the serializability. जब हमें दो ट्रांजेक्शन या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक साथ किया जाता है then that is called serializability. Student, serializability के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया रहता है जिसके तहत हम ये डिस्कस करते हैं कि सीरियल शेड्यूल, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो होता है वो ट्रांजेक्शन आपका मल्टीपल ट्रांजेक्शन के अंदर सीरियल होता है या पैरेलल हो सकते हैं. हम डिस्कस अभी पैरेलल ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं क्योंकि सीरियल शेड्यूल के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज ए सिंपल. बट पैरेलल के अंदर प्रॉब्लम यह होता है कि आपको उसे सीरियल बनाना जरूरी होता है. तो स्टूडेंट्स, बिफोर दिस डिस्कशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पैरेलल ट्रांजेक्शन को हम सीरियल बनाने का एक मेथड था, दैट वॉज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रोसीजर. मैं एक बार आपको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का बेसिक नॉर्म्स बता देता हूं. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो होता है उसके अंदर बेसिक रूप में अगर पैरेलल ट्रांजेक्शंस है बट उस ट्रांजेक्शन में कोई भी लूप क्रिएट नहीं हो रहा है दैट टाइम वी कैन से दैट दैट विल बी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट डायग्राम ऑल्सो बी सीरियलाइजेबल. मीन्स एक सीरियल ऑर्डर में ट्रांजेक्शंस को प्रोसीज्योर कर सकते हैं. स्टूडेंट, सीरियल ऑर्डर में ट्रांजेक्शंस को प्रोसीज्योर करने के लिए आप एक मेथड मैंने अभी बताया दैट वाज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, जिसके बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ आई एम गिविंग एन आइडिया ऑल्सो, इफ देयर इज पैरेलल ट्रांजेक्शंस and there that is non-conflict serializable, means आपकी उस transactions के अंदर उसका जो graph design हो रहा है उस graph के अंदर loop create हो रहा है. अब हमें जानना जरूरी है अगर कोई transaction non-serial है यानी कि that is a parallel, after that उसमें आपका conflict serializable नहीं है that means loop generate हो रहा है, still उसका serial transaction बन सकता है क्या? उस डिस्कशन के लिए आप मेथड विल बी यूज दैट इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. इट्स अगेन अ डिफरेंट प्रोसीज्योर टू एलेबरेट दैट इफ द नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ट्रांसफॉर्म ट्रांजेक्शंस आर देयर ऑन दैट टाइम दैट मीन्स अ लूप हैज बीन जनरेटेड इनसाइड द ग्राफ डायग्राम ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. Is there be serializable? उन transactions को serial order में बना सकते हैं क्या? That is the process to discuss about the way, and that process is called view serializability. Student, view serializability का होने का तीन point होते हैं. View serializable कोई भी transaction तब हो सकते हैं. First one is a schedule will be view serializable if view equivalent to a serial schedule. अगर normal serial schedule है तो वो view serializable है. Second point, if a schedule is conflict serializable, मतलब उसमें loop generate नहीं हो रहा है, तो हम उसके serial order transaction की बना सकते हैं. And that is also we can say that is also be view serializable. और तीसरा प्रोसेस जो इन दोनों पे भी मान लीजिए नहीं हो रहा हो, यानी कि व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है अगर उसमें नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो रहा हो, यानी कि लूप जनरेट हो रहे हैं उस ग्राफ के अंदर, बट देयर कंटेन्स ब्लाइंड राइट्स. स्टूडेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट टर्म हियर, ब्लाइंड राइट्स. ब्लाइंड राइट्स मीन कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक डेटा आइटम के रिस्पेक्ट में अगर उस ट्रांजेक्शन में पहले रीड नहीं हो चुका है, ओनली राइट ऑपरेशंस हैज बीन परफॉर्म प्रीवियसली, दैट विल बी ब्लाइंड राइट
देयर, यानी कि उसके अंदर रीड नहीं है, ओनली राइट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड राइट. अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन में हैपनिंग केस है, दैट ट्रांजेक्शन विच इज नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, दैट मे बी सीरियलाइजेबल, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आपके पास ये होना चाहिए कि ब्लाइंड राइट नहीं हो, ब्लाइंड राइट सॉरी होना चाहिए, यानी कि आपके पास बट किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, उस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर किसी एक में भी राइट ऑपरेशन पर्टिकुलर डेटा आइटम के रिस्पेक्ट में पहले बिना रीड का होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, उसके आगे इसका प्रोसेस को हम जानते हैं, कैसे हम इस चीज को इलैबोरेट करते हैं, कैसे हम अब आप इसको व्यू सीरियलाइजेबल बना सकते हैं. स्टूडेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन सपोज कीजिए, नीचे एक एग्जांपल ये देखिए, T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन है. इसके अंदर देखिए, अगर आप पहले ब्लाइंड राइट की बात करें तो T1 में तो कोई ब्लाइंड राइट नहीं है, बट T2 में आपका ऑलरेडी ब्लाइंड राइट है, यानी कि राइट ए जो है ये ब्लाइंड है, इसके ऊपर कोई रीड नहीं हुआ, तो ये व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है. अब स्टूडेंट, दो T1 एंड T2, ये जो दो जो आपका ट्रांजेक्शन है, दो ट्रांजेक्शन का कितनी कॉम्बिनेशन, क्या क्या सीरियल ऑर्डर हो सकता है, या तो T1 एरो T2, ग्राफ जो बनेगा T1 एंड T2 दोनों वर्टिसेस है, इनके बीच में एज जनरेट होगा, यानी कि T1 से लेके T2 की तरफ हो सकता है, या फिर T2 किससे लेके T1 की तरफ, दो वेरिएबल, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन विल बी 2, बिकॉज फैक्टोरियल 2 कॉम्बिनेशन होता है, तो दो का या तो T1 एरो T2 और T2 एरो T1. अब हम जान लेते हैं कौन सा होगा. व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हमें सारे ट्रांजेक्शन जो हो सकते हैं उनका सारे कॉम्बिनेशन को पहले आप एक पेपर पेन में नोट कर लो, जैसे कि T1 एरो T2 या T2 एरो T1. आपने देखा दो प्रोसेस हो सकता है, यानी कि 1-2 या 2-1. अब हम इसमें एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा हो रहा है. अगर इनमें से कोई एक पहले हो जाता है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं होता, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट डिटरमाइन फर्स्ट प्रोसेस, दैट मीन्स 1-2, यानी कि T1 डायरेक्टेड टू T2. तो देखिए, मैंने यहां पे T1 और T2, ये अपना ओरिजिनल शेड्यूल है, इसको व्यू सीरियलाइजेबल के एग्जांपल लेके हम पहले इसी को बना लेते हैं कि T1 T2 के अंदर पहले हमने इसके अंदर हमने बनाया पहले T2 देन T1, यानी कि हम पहले 2-1 को ले लिए. 2-1 का मतलब पहले सेकंड का ऑपरेशन हो रहा है, दैट मींस राइट ए वी हैव रिटन फर्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव रिटन रीड ए. ओरिजिनल ये है, हालांकि ये आपका जो है पैरेलल ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही बार एक ही ऑपरेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम दिस सेकंड टाइम दिस. लेकिन फिर भी हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद हम तीन ट्रांजेक्शन लेके चेक करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी ट्रांजेक्शन के थ्रू इस चीज को क्लियर करते. आगे हम सेकेंड एग्जाम्पल में तीन वेरिएबल, तीन ट्रांजेक्शन लेके हम चेक करेंगे. तो स्टूडेंट देखिए, एन इनिशियल रीड ऑफ द बोथ शेड्यूल्स मस्ट बी सेम. इसमें एक ऑप्शन होता है ब्लाइंड राइट, अगर आपके पास है, आफ्टर दैट वी विल चेक इज देयर इनिशियल रीड. दोनों ट्रांजेक्शन लिख दिया, मैं मान के चलता हूं इनका सीरियल ऑर्डर यही बनेगा, यानी कि हमने पहले एज्यूम करके चलना पड़ता है. मैंने जैसे कि बताया, मैंने 1-2 को लेने की जगह 2-1 ले लिया पहले, राइट. तो देखिए, क्योंकि 1-2 तो ये था ही एक्चुअली, तो इसकी सेकेंड हमने ये ले लिया. तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपका इनिशियल रीड होना चाहिए, इसका पहला पैरामीटर. इनिशियल रीड का मतलब होता है आपका, देखिए ऊपर मैंने आपको इलाबोरेट किया, दैट मीन्स बोथ शेड्यूल मस्ट बी सेम. दोनों शेड्यूल में इनिशियल रीड होना चाहिए. सपोज टू शेड्यूल्स S1 एंड S2, इन द शेड्यूल S1, इफ ए ट्रांजेक्शन T1 इज रीडिंग द डेटा आइटम ए, देन S2 ट्रांजेक्शन T1 ऑल्सो शुड रीड द डाटा.
अगर टी वन में रीड कर रहा है ए को, तो टी टू में भी आपका एस टू के अंदर भी टी वन में पहले आपका रीड होना चाहिए ए को। ऐसा हो रहा है, देखिए बिल्कुल हो रहा है, आपका टी वन के अंदर ए रीड हो रहा है, इसमें भी आपका जो है एस टू के अंदर भी टी वन में रीड ए हो रहा है, पहले इसका कुछ भी नहीं हो रहा। एक पर्टिकुलर शेड्यूल में अपन बात कर रहे हैं और एक सिंगल डेटा आइटम में बात कर रहे हैं। तो इन द अबव टू शेड्यूल्स आर व्यू इक्विवेलेंट बिकॉज इनिशियल रीड ऑपरेशन इन एस वन इज डन बाई टी वन एंड एस टू इज ऑल्सो डन बाई टी वन। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं दिस बोथ आर इक्विवेलेंट। हम इसको इक्वल नहीं बोलते, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर एक बात आपको ध्यान रखना है, हम कभी भी इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, बोथ बोथ शेड्यूल्स आर इक्विवेलेंट, मतलब इसका एक इक्विवेलेंट शेड्यूल ये बन सकता है, दैट इज व्यू सीरियलाइजेबल बन सकता है। वैसे भी आपका दो वेरिएबल दो पैरामीटर में ये तो वैसे ही सीरियल ऑर्डर है आपके पास, अगर क्योंकि दो बार ही लिखा, अगर यहाँ पे मैं अलग अलग बार लिखते जब तो फिर जब भी आपके पास पैरेलल शेड्यूल होता, बट मैंने एक ही स्टेटमेंट जैसे रीड ए एक ही बार लिखा, राइट ए एक ही बार लिखा, अलग अलग होता तो भी आप इसमें क्वेरी हो सकता था। वैसे ही आपको पता है सीरियल ऑर्डर में है, फिर भी हम व्यू सीरियलाइजेबिलिटी से चेक कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियल रीड पैरामीटर, यानी कि पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर दोनों केसेस में आपको देखना होगा कि दोनों में इनिशियल रीड है कि नहीं है। अगर T2 में भी रीड होता तो यहां भी इनिशियल रीड होना चाहिए था, इसकी इनिशियल रीड ए है शुरू में इस ट्रांजेक्शन का, इस T1 में भी शुरू में रीड ए है, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज अपडेटेड रीड। स्टूडेंट अपडेटेड रीड का मतलब होता है क्वाइट डिफरेंट। अपडेटेड रीड मींस इन शेड्यूल S1 if T1 is reading A which is updated by T1, then in S2 also T1 should read A which is updated by T1। देखिए मेरा कहने का मतलब आपका यह है कि अगर T1, अगर S1 के अंदर सपोज कीजिए मैंने एक नया ट्रांजेक्शन आपके सामने अभी रखा है T1, T2, T3, हमने तीन ट्रांजेक्शंस लिए हैं। अगेन हम इसकी कॉम्बिनेशन में यहां पे देखिए, क्योंकि इसका हम मान के चलते ये एग्जाम मैंने कहा था वन टू थ्री में फिर कितनी कॉम्बिनेशन होंगे स्टूडेंट्स, छह, वन टू थ्री, वन थ्री टू, टू थ्री वन, टू वन थ्री, थ्री टू वन, थ्री वन टू, छह कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम इसमें वन टू थ्री का पहला ही कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, वन टू थ्री इसका आपके सीरियल ऑर्डर बनेगा। तो स्टूडेंट इस केस में आपको अपडेटेड रीड चेक किया जाएगा। एक्चुअली क्या है, तीनों कंडीशन सक्सेस होना चाहिए उस सीरियलाइजेबल, पहला बताया मैंने इनिशियल रीड होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन जैसे मैं एक दूसरी शेड्यूल के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, दैट मीन्स We are using like that updated read, मतलब अगर S1 schedule में if T1 is reading A which is updated by T1, अगर हम T1 के अंदर we are read A कर रहे हैं तो S2 के अंदर भी T1 should be read, T1 should read A which is updated by T1, S2 में भी वही होना चाहिए। क्या ऐसा यहां पर हुआ है? देखिए अबव शेड्यूल्स दैट आर नॉट व्यू इक्वल बिकॉज एस वन के अंदर टी थ्री इज रीडिंग ए, राइट, टी थ्री इज रीडिंग ए अपडेटेड बाय टी टू, इस रीड ए का जस्ट अपडेट कौन सा होगा, रीड ए राइट ए के बाद ही आता है स्टूडेंट, राइट करेंगे तो ही आप उसको पढ़ पाएंगे, तो इसका मतलब इस रीड ए का अपडेट है ये राइट ए, यानी कि T3 के रीड ए का अपडेट राइट ए। अब आपके S2 में आ जाइए, इस S2 में इस रीड ए का अपडेट T2 का राइट ए नहीं है, इसका अपडेट किसका राइट ए है, T1
T1 का राइट है, क्योंकि रीड ए की जस्ट ऊपर वाले राइट है, चाहे किसी में भी होता है, जैसे इस रीड ए की जस्ट ऊपर वाले यहाँ पे है, इस रीड ए की जस्ट ऊपर वाले T1 में, तो दोनों में अंतर आ गया स्टूडेंट। सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे T3 में T3 का रीड ए T2 में राइट ए से हुआ है, यहाँ भी T3 का T2 से ही होना चाहिए अपडेटेड रीड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन वी कैन से दैट इट्स नॉट व्यू सीरियलाइजेबल। ये सेकेंड पैरामीटर है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड फाइनल राइट। स्टूडेंट फाइनल राइट का मतलब होता है अ फाइनल राइट मस्ट बी सेम बिटवीन बोथ द शेड्यूल। इन शेड्यूल S1 इफ ए ट्रांजेक्शन T1 अपडेट्स एट द लास्ट, देन इन S2 फाइनल राइट ऑपरेशन शुड ऑल्सो बी डन बाई T1। जैसे इनिशियल रीड जहां पे हो रहा था ऐसा ही फाइनल राइट भी होना चाहिए। जहां जहां पे जिसका फाइनल राइट है वहां वहां पे उसका फाइनल राइट होना चाहिए। ऊपर वाली दोनों शेड्यूल को देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो जहां मेरा कर्सर है S1 एंड S2, ये जो माउस में आपको पॉइंट नोट करा रहा हूं, प्लीज सी हियर, इन द बोथ द शेड्यूल्स इज व्यू इक्वल, बिकॉज फाइनल राइट ऑपरेशन इन S1 is done by T3। फाइनल राइट की बात कर रहा हूं, इनिशियल रीड था, पहला रीड जहां पे किया था वो फर्स्ट ऑपरेशन था। अब फाइनल राइट मतलब लास्ट राइट अगर यहां T3 में हुआ है, यहां भी T3 में ही होना चाहिए। तो देखिए ऐसा हुआ है, ये मैंने एक इक्विवेलेंट लिया स्टूडेंट 1 2 3, और यहां भी मैंने 1 2 3 सॉरी या 1 2 3, ये इस तरीके का सेट है, इसमें हमने लिया 2 1 3, ये है इसका कॉम्बिनेशन एक्चुअली 2 1 3, ये आपका जो है ट्रांजेक्शन हुआ है अनसॉल्व्ड मान लीजिए। इसका व्यू सीरियलाइजेबल हो सकता है और वो इस तरीके से होगा 2 1 3, क्योंकि देखिए ये फाइनल राइट यहां आ रहा है। अगर आप इसकी इनिशियल रीड की बात करोगे तो भी स्टूडेंट देखिए इसकी इनिशियल रीड जो है वो T2 में है, यहां भी T2 में। तो स्टूडेंट दोज थ्री पैरामीटर्स थ्री पॉइंट शुड बी देयर फॉर व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है ब्लैंक राइट होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड जिस राइट का कोई रीड नहीं हो किसी भी एक ट्रांजेक्शन में, और सेकेंड और बाकी तीन पॉइंट है इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड एंड फाइनल राइट। ये तीनों जिस ट्रांजेक्शन में भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबल है, और उसकी सीरियलाइजेबिलिटी उस ट्रांजेक्शन को जिस शेड्यूल को अपन डिनोट कर रहे हैं दैट विल बी देयर। नाउ स्टूडेंट वी आर टेकिंग with an example, with a complicated example that will be discussed here. See that example here. यहाँ पे हमने with S एक schedule है जिसके अंदर the total number of possible schedule मैंने कहा factorial 3 होगा, अगर T1, T2, T3 तीन transaction हुआ है तो student देखिए मैंने यहाँ note down कर दिया आपके लिए, इनकी possibilities हो सकता है T1, T2, T3, T2, T3, T1, T2, T1, T3, T3, T1, T2 and T3, T2, T1, factorial 3 होगा, naturally that will be the 6th combination। इनमें से कोई भी एक आपका दिया हुआ example में से serializable हो सकता है अगर उनमें ऊपर वाली condition हो और questions उसके according। तो नीचे we are taking first schedule S1, ये हमारी example is one, this is in parallel। स्टूडेंट देखिए आपके पास T1 के अंदर रीड ए राइट ए, T2 के अंदर वी हैव टेकन राइट ए, T3 के अंदर राइट ए, ये आपका जो डायग्राम आप देख रहे हैं दिस इज द शेड्यूल। देयर इज पैरेलल ट्रांजेक्शन, तीन ट्रांजेक्शन है,
इस एग्जांपल को हम लेते हैं स्टेप वन स्टेप टू करके, तो सब इन द स्टेप वन प्रोसीजर फाइनल अपडेशन ऑन डेटा आइटम्स. स्टूडेंट इन बोथ द शेड्यूल्स, ऊपर एग्जांपल था आपका एस जो मैंने आपको दिया था, अब हमने एज्यूम किया नीचे का एक मतलब आपका जो था पहले रीड ए था, आफ्टर दैट एग्जांपल में देखिए पहले रीड ए आफ्टर दैट राइट ए सॉरी टी टू के अंदर राइट ए देन टी वन में रीड ए राइट ए देन टी थ्री में जो है आपका राइट ए. पहले तो आप बताइए इसमें ब्लैंक राइट है क्या स्टूडेंट्स, इज देयर एनी ब्लैंक राइट? यस ये जो है ब्लैंक राइट है, ये जो है ब्लैंक राइट है, इनका कोई रीड नहीं इन ट्रांजेक्शंस के अंदर, तो ये नॉन सीरियलाइजेबल बन सकता है, सॉरी व्यू सीरियलाइजेबल बन सकता है, इट कैन बी व्यू सीरियलाइजेबल. इनकी कॉम्बिनेशन हमने बताया, इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक एज्यूम किया, यानी कि आपको जो मैंने एज्यूम करके, क्योंकि ये तो पैरेलल चल रहा है, एक पहले चल रहा था फिर दूसरा चालू होगा फिर आबार अगेन एक अगेन थ्री, तो दैट मींस इनका जो है आपका पैरेलल सीरियल ट्रांजेक्शन सीरियल ऑर्डर शेड्यूल बन सकता है. तो स्टूडेंट इनका जो सीरियल ऑर्डर शेड्यूल है उनमें से हमने ये कॉम्बिनेशंस बताए, इनमें से कोई एक बनेगा, इनमें से एक जो है वो मैंने आपके सामने अभी शेड्यूल रखा है, दैट इज 1 2 3, यानी कि पहले वाला ही हमने ले लिया T1 T2 T3. देखिए ये जो आपको मैंने अभी दिखाया दैट इज T1 T2 T3, हमने पहले वाला मान लिया राइट फर्स्ट वन. अब हम देखते हैं ये सीरियलाइजेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही वाला बनेगा कि कोई और होगा राइट. तो इन द स्टेप वन फाइनल अपडेशन ऑन डेटा आइटम्स इन बोथ द शेड्यूल, स्टूडेंट ऊपर जो एस है एंड जो एस वन है देयर इज नो रीड एक्सेप्ट द इनिशियल रीड, आपका सिर्फ एक ही इनिशियल रीड है इसमें भी, और आपके जो ऊपर वाले हैं इससे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों में एक ही रीड है और वो इनिशियल रीड है, दैट मीन्स वी डोंट नीड टू चेक दैट कंडीशन. अगर पहले वाला रीड है अंदर कुछ है ही नहीं तो हमें उस कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन पास हो गए हम, दैट मीन्स हम सेकेंड स्टेप के लिए बढ़ेंगे, इट मे बी सीरियलाइजेबल की तरफ बढ़ रहा है. नाउ स्टूडेंट द सेकेंड वन इज सपोज कीजिए हमने एज्यूम किया सेकेंड स्टेप दैट इज इनिशियल रीड. द इनिशियल रीड ऑपरेशन इन एस इज डन बाय टी वन एंड इन एस वन इट ऑल्सो डन बाय टी वन. एस वन के अंदर आपका एस के अंदर इनिशियल रीड हो रहा है टी वन से, एस आपके एस वन के अंदर भी इनिशियल रीड टी वन से ही हो रहा है. अपडेशन रीड की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि अपडेट तो अंदर हो ही नहीं रहा है. अब जो है इनिशियल रीड का अपन जो है ओके है, तो आपने जो दो कंडीशन था, एक है इनिशियल रीड एक अपडेशन रीड, दोनों सक्सेस ही आते. नाउ द फाइनल स्टेप वी विल सी दैट फाइनल राइट, फाइनल राइट मतलब दोनों केसेस में राइट फाइनल पोजीशन में सेम जगह पे है क्या. द फाइनल राइट ऑपरेशन इन एस इज डन बाय टी थ्री एंड इन एस वन ऑल्सो डन बाय टी थ्री, सो एस एंड एस वन आर व्यू इक्विवेलेंट. तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जी जो मेरे को हमने हालांकि ये चेक नहीं किया कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, इट मे बी कॉन्फ्लिक्ट, वो आपको देखना अलग से था. ऑब्वियसली जब भी कोई एग्जांपल जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को लेके, तो आपको सबसे पहले यू विल हैव टू चेक कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है क्या. अगर नहीं है यानी कि लूप हो रहा है, आफ्टर दैट आप व्यू सीरियलाइजेबल चेक करने जाएंगे. बट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि इज इट व्यू सीरियलाइजेबल, बट व्यू सीरियलाइजेबल को आप पहले चेक करें वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो व्यू सीरियलाइजेबल भी है राइट. और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तब आपको आगे का स्टेप जो मैंने बताया अभी इन स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द लॉ.